बोलो ना बीजी, माफ किया आपने मैनू। एक बारी बोल दिया ना वीरा, बस इन सब फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वीरा पुत्र, तेरी बीजी ने तेरे को माफ कर दिया है, ठीक है ना? तू जाकर अपनी पढ़ाई कर। ओए पुत्र, तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है? अपनी चाची पर भरोसा नहीं? हाँ, मैंने कह दिया ना तेरी बीजी ठीक है, जा अपनी पढ़ाई कर। चल वीरा। अरे इतना मजेदार है, एक दिन में तेरे सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। अरे तेनू तो पता है ना कि हमारे पिंड में किसी के पास भी वीडियो गेम नहीं है, तो सबसे पहला वीडियो गेम तो सरपंच के बेटे का वासी होना चाहिए ना। हाँ हाँ वो तो है, पर 1000 रुपए? चलो हो जाएगा पैसों का इंतजाम। सच्ची? हाँ सच्ची, कह दिया सो कह दिया। अब पिंड का सबसे पहला वीडियो गेम मेरे पास होगा। मैं तन्नु शाम को मिलता हूँ पैसों के नाल। किथे जा रही है तू? हाँ जा रही हूं मैं आपका घर छोड़कर, और वो भी हमेशा के लिए। हमेशा के लिए मतलब? क्योंकि अब मुझसे आपकी ये बेवफाई, आपका ये गुस्सा और आपका ये घटिया व्यवहार बर्दाश्त नहीं है। मैंने सच्चे दिल से कोशिश की कि अपनी शादी नू बचा, अपने घर नू बर्बाद होने से बचा, आप नू वापस लिया, पर शायद रब दी कुछ और ही मर्जी थी। आप नू रतन पर जाई जी चाहिए ना, जाई। आज से मेरी तरफ से आप पूरी तरह से आजाद हैं। जाइए, पूरी कोशिश कीजिए उनको हासिल करने की, पर एक बात मेरी अच्छी तरह से याद रखना, रतन परजाई जी आप कभी हासिल नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। और एक बात और, मैं उन बीवियों में से नहीं हूं जो अपने पति के दो आंसू देखती हैं और पिघल जाती हैं और उनको माफ कर देती। मुझसे माफी की कभी उम्मीद मत रखना।
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. बलदेव हाँ, बोलो बीजी। अरे पुत्र इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? यहाँ क्या कर रहे तू? वो बीजी मैंने लगा था कि पापा जी आ गए इसलिए थोड़ा हड़बड़ा गया था। हाय रब्बा कितना डरते तो अपने पापा जी से। बीजी मैंने पापा जी के पास एक बहुत ही अच्छा वाला पेन देखा था, सोचा था कि अब की परीक्षा में उससे ही लिखूंगा, वो ही ढूंढ रहा था लेकिन मिला ही नहीं। मेरे पुत्र को कितनी चिंता अपनी परीक्षा की। अरे तू अभी बताता ना, तेरे पापा जी को बोलती और अभी तुझे पेन दिलवा देती। पर कोई बात नहीं, वो शाम को आएंगे ना तो वही वाला पेन दिलवा दूंगी, ठीक है? जी बीजी मैं बाहर जा रहा हूँ खेलने। मैंने ही इस परिवार से संपूर्ण को छीना था। से तकलीफ देकर आपकी आंखों में आंसू लाकर मैनू नहीं अच्छा लग रहा है जाए जी। पर मैं की करा जाए जी, मजबूर हूं मैं, खुद ही अपनी मदद नहीं कर सकती। वीरा नु चाहूं तो भी नहीं अपना सकती। के साथ साथ एक औरत भी तो जिसने अपने पति को खोया है, कैसे भूल सकती हूँ अपने पति को खोने की वजह। एक गलत सुपुत्र अपने गुड्डू को खोने की वजह वीरा नहीं है पुत्र। कैसा चलेगा पुत्र? उस बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव करना छोड़ दे पुत्र, अपना ले उसको। अरे हाँ वो मैं भूल गई थी, खेतों के वास्ते बीज मंगवाने थे, निहाल को कहते तो ले आएगा ना, फिर काम शुरू करना होगा ना। जी चाय जी मैं उनसे कह देती हूँ। पर चाय जी आपने ऐसा क्या कह दिया निहाल सिंह जी, जो वो जो जा रहे थे वो वापस लौट कर आ गए? मैंने तो जो भी कहा हो पर मैंने ऐसे उनको रोकना यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। बहुत कुछ किया है उन्होंने इस घर के वास्ते, सरपंच जी के दोस्त होने के नाते उन्होंने जो कुछ भी किया उनका जो फर्ज था उससे कई ज्यादा किया है उन्होंने हमारे लिए। और ऐसे में उनके एहसानों के लिए शुक्रिया कहने के बजाय हम उनके पैरों में जिम्मेदारियों की बेड़ियां डाल रहे हैं, अच्छा नहीं ना चाहिए जी। और जिम्मेदारियां भी ऐसी जो जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं। वो ठीक है पुत्र, लेकिन आजकल के जमाने में कोई किसी के वास्ते बिना मतलब के कुछ नहीं करता।
सबके पीछे निहाल सिंह जी का क्या मतलब हो सकता है? बताइए ना चाय जी, किस मतलब से कर रहे हैं निहाल सिंह जी ये सब? और रतन तू भी ना, अभी बताने वाली गल्ला थोड़ी है, समझने वाली बात है पुत्र। अब देखना, गल्ला आदमी है, आगे पीछे कोई नहीं है उसका। इस पिंड में आकर उसको बच्चों का प्यार मिल गया, घर की रोटी मिलती है, और की चाहिए इंसान को? कोई भी छड़ के क्यों जाएगा घर? कैसी बातें कर रही हैं आप चाय जी? आप भी जानती हैं कि निहाल सिंह जी ऐसे नहीं हैं। बड़े खुददार और भले इंसान है वो, और आज के जमाने में बिना किसी स्वार्थ के कोई किसी के इतने काम कैसे आ सकता है जो बिना रिश्ते के जान तक देने को तैयार हो। चाय जी, छोटी बड़ी हर मुसीबत में उन्होंने इस घर को अपनों की तरह संभाला है। ऐसा करते इस घर के वास्ते जैसे पिछले जन्म का कोई कर्ज चुका रहे हो। पिछले जन्म का नहीं, इसी जन्म का कर्ज, बहुत बड़ा कर्ज। रब्बा, मेरे को ये नहीं पता कि निहाल सिंह को इतने वापस रोक कर सही किया या गलत। बस सब कुछ तेरे हाथ में, तू ही संभाल। देख इसका है नया, बिल्कुल थोड़ा सा खेला इसने। पैसे दे। ले मुझे 1,000 रुपये ले। ध्यान से खेलना, महंगा वाला है, खराब ना कर देना। चल बिजी, हम ना निहाल चाचू दे नाल गुंजन दीदी के घर जा रहे हैं। रणवी, गुंजन के घर क्यों? बिजी, वो बंसूरी ताई जी का फोन आया था निहाल चाचू को। उन्होंने कहा कि उन्हें बलदेव और गुंजन दोनों ने पढ़ाना है, तो हम उनके ही घर पे जाके पढ़ेंगे। पर जाना तो खाली निहाल चाचू को था ना, तुम दोनों क्यों जा रहे हो साथ में? वो चाहे जी, बच्चों को 2 घंटे पढ़ाना जरूरी है, और अगर दोनों जगह पढ़ाने जाऊंगा तो किसी को भी ढंग से नहीं पढ़ा पाऊंगा। रतन, तेरे को लगता है ये दोनों वहां जाकर पढ़ेंगे? नहीं चाहे जी, बदमाशी भी करेंगे, पर मैंने निहाल सिंह जी पे भरोसा है कि वो संभाल लेंगे। क्यों, आपको इतना भी भरोसा नहीं है? भरोसा?
तुम दोनों ध्यान से पढ़ना, बदमाशी मत करना वहां पर, समझे? चलो। यासिन जी यहाँ बैठ के बच्चों को पढ़ाएंगे, मैं वहां से उनको देख भी लूंगी। बीजी, बीजी, हाँ। मैंने नहीं पढ़ना है नेहाल चाचू से। आपने मुझसे पूछे बिना नेहाल चाचू को घर पे क्यों बुला लिया पढ़ाने के वास्ते? क्या खराबी है नेहाल सिंह जी में? अच्छे खासे तो हैं। मेरा मतलब अच्छा पढ़ाते हैं वो। और वैसे भी वो इस घर में आके पढ़ाएंगे ना तो रौनक आएगी तेरी पढ़ाई में। मैंने कहा ना बीजी, नहीं पढ़ना मैंने नेहाल चाचू से। मैं बता रहा हूँ, मैं भगा दूंगा इतने से। बलदेव, थप्पड़ खाएगा तू। थप्पड़दार झुकने से कोई भी हरकत, ठीक है ना? अब ना तू चुपचाप पढ़ाई करेगा और कुछ नहीं। और इस बार मुझे तेरी कोई बकवास नहीं चाहिए इस काम में। बीजी, यो गया तू? आज आप मैंने इतना डांट क्यों रहे हो? तू ऐसी बात करेगा ना तो डांट ही खाएगा। यहाँ खड़ा मत रह, जाके अपनी किताबें ला और पढ़ाई की तैयारी कर। अरे जा ना। अब तू क्यों यहाँ खड़ी होके बदतमीजी निकाल रही है? जा जाके अपनी किताबें ला। पीछे पीछे हम क्या? ये किस लिए? आजकल आप बहुत चंगे हो गए हो इसलिए। फिर आजकल क्यों? मैं तो हमेशा से चंगी थी, है ना? अरे निहाल सिंह जी, आइए ना। आ गए आप, आइए अंदर आइए ना। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? ना चल, जल्दी चल। ये लोग भी आए साथ में, अच्छी बात है। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? ताई जी, ऐसा तो तब पूछते जब कोई बहुत दूर से आया हो। दूर तो है ही ना पुत्र। निहाल सिंह जी, आप खड़े क्यों आइए, बैठिए ना। आपकी टांगे बेचारी दर्द कर जाएंगी। अच्छा बताइए ना, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? मैं लाती हूँ ना आपके लिए। ताई जी, इतने नींबू पानी मिलेगा कि? पर नींबू पानी से तो भूख ही नहीं मिटेगी। ताई जी, आप ना हम सबके लिए थोड़े छोले भटूरे बना दो। छोले भटूरे खाएगी? उत्तर इन्ना खाएगी ना तो तुझे सुस्ती चढ़ जाएगी, फिर पढ़ाई कैसे होगी? अरे निहाल सिंह जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए बैठिए ना इधर। नहीं जी, मैं अंदर किसी कमरे में पढ़ा लूँ। बाहर सरपंच जी से मिलने 10 लोग आएंगे, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब हमारे कमरे में चलिए निहाल सर। ताई जी, छोले भटूरे ना तीखे मत बनाना। तेरे तो मैं खूब तीखे बनाऊंगी, देख तू। ये वीरा भी ना अपने कपड़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, अब इसने अपना फ्रॉक भी फाड़ लिया। इंसानियत के नाते कहो या रणवीर की माँ होने के नाते, उसकी बहन का कपड़ा ठीक कर रही हूँ। अगर मैंने नहीं किया तो खुद लेकर बैठ जाएगा, कहीं सुई हुई ना चुभा ले। हाँ रतन पुत्र, सुई का तो स्वभाव होता है चुभना। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस सुई से अपने आप को चुभने दें या अपनी उधड़ी हुई जिंदगी को सीने की कोशिश करें।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।